तैयार हो जाइए फ्रेंड्स, यूट्यूब में पहली बार FC1 और ई फॉर एरर का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आज। इस मॉडल नंबर का आपको पूरा डिटेल दूंगा पहली बार यूट्यूब में, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो पहली बार E4 से स्टार्ट करते हैं। E4 एक कॉमन एरर है जो हम आप सीखेंगे। मैं आपको सबसे पहले E4 से स्टार्ट करूंगा और फिर FC जाऊंगा, आप कुछ नया आप सीखने को मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना। सबसे पहले जब हमने ऑब्जर्व किया, कस्टमर ने री इंस्टॉल किया था मशीन को, और ये जो कैप है, जो ड्रेन पाइप है, तो पीछे से ऊपर आके जाना है। कभी भी फ्रंट लोडिंग को याद रख लीजिए। अगर E4 एरर आएगा हायर वॉशिंग मशीन या कोई भी वॉशिंग मशीन में एरर आएगा, सबसे पहले आप उसका बैक का जो ड्रेन का पाइप है उसका पोजिशन एकदम ऊपर आके नीचे जाना है, तभी वो पानी रुकेगा। अगर पानी आ रहेगा और जा रहा रहेगा तो वो एरर हर मशीन में फ्रंट लोड में दिखाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या E4 के लिए चेक करने के लिए हमने स्क्रू ड्राइवर लेके हमने बैक कवर खोला और हमने टेस्ट किया कि पानी आ रहा है क्या। पानी आ रहा था और फिल्टर भी क्लीन था। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे कि देखा कि फिल्टर थोड़ा थोड़ा गंदा था, मगर उतना गंदा नहीं था कि चोक करके E4 एरर आए, तो वो बराबर था। फिल्टर को देखिए, आप देख लीजिए कैसे क्लीन करना। देखें गाइस, प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना, नया चैनल है, मुश्किल होती है। देखिए इतना क्लीन रहना हर हमेशा फिल्टर। अगर फिल्टर क्लीन होगा तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा, मशीन कम्प्लीटली फाइन काम करेगी और पानी एग्जैक्ट टाइम पर आ जाएगा, तो एग्जैक्ट टाइम पर साइकिल भी ख़त्म हो जाएगा। अगर पानी आने में देरी होगा तो साइकिल ख़त्म होने में भी देरी होगा। हमने इनपुट का करंट देखा तो वो भी परफेक्ट से आ रहा था, बल्ब को 220 आ रहा था, इसका मतलब कि इनलेट वाल्व भी बराबर है, PCB भी बराबर है, मगर फिर भी E4 एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि पानी अगर ड्रम में नहीं रुकेगा तो आउटसाइड जाता रहेगा, तो मशीन का सेंसर मशीन के PCB को इंडिकेट करेगा कि पानी नहीं रुक रहा है, इसीलिए E4 एरर भी आ सकता है। अगर इनलेट वाल्व तक सप्लाई नहीं आता तो PCB प्रॉब्लम होता। अगर इनलेट वाल्व तक सप्लाई आके वाइब्रेट नहीं करता इनलेट वाल्व, तो इनलेट वाल्व का प्रॉब्लम रहता। अगर ऑन करने के बाद में पानी आ रहा है, इसका मतलब इनलेट वाल्व, पानी और PCB तीनों ठीक है। अगर फिर भी E4 एरर आता है तो पीछे का पाइप देख लेना, ताकि पानी ना निकले पानी आने के टाइम पे, तो इसका मतलब पूरा क्लीन है कि E4 एरर आएगा। तो एक था इनलेट वाल्व। देखिए इनलेट वाल्व में तीन फिल्टर आते हैं हायर में, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। तीनों फिल्टर निकाल के ज़रूर से क्लीन करना। सबसे पहला ब्लू फिल्टर, उसके बाद एक वाइट फिल्टर, उसके बाद और एक फिल्टर आता है जैसे कि मेशी टाइप, ये तीनों क्लीन करना, या फिर आपको E4 एरर आ सकता है। ये स्पेशल वॉशिंग मशीन का फिल्टर है जो स्पेशली हायर मशीन में देता है, ताकि कचरा अंदर ना जा सके। आपको एक काम कीजिए, वो ऊपर सबसे अंदर जो फिल्टर है उसको निकाल दीजिए और दो फिल्टर डालिए, मोर देन इनफ है। तो अगर आप डाल के अभी चेक करेंगे तो E4 एरर नहीं आएगा, याद रखना। E4 एरर इनलेट वॉल का एरर है जो हायर वॉशिंग मशीन में दिया है, अगर पानी नहीं आएगा तो। तो गाइज अभी चलते हैं FC1 एरर की तरफ। FC1 एरर आता है बहुत सारे रीज़न से। अगर ड्रम में कुछ कॉइन अटक गया और ड्रम घूम नहीं रहा है तो भी FC1 एरर आएगा, या फिर मेन रीज़न है डायरेक्ट ड्राइव मोटर ख़राब होने का चांसेस में भी FC1 एरर आएगा। अगर FC1 एरर आ रहा है तो सबसे पहले मैं जो कर रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। पीछे का कवर खोलिए आराम से, उसमें दो PCB आपको दिखेंगे, एक लेफ्ट में PCB रहेगा, उसको मेन PCB बोलते हैं, जो पूरी मशीन को चलाता है और डिस्प्ले तक भी उसका पावर जाता है DC में। अगर आपको राइट साइड देखेंगे तो आपको एक और एक PCB छोटा वाला मिलेगा, जिसमें ब्लू कलर का स्टिकर लगा रहेगा। अगर वो PCB अगर आपको दिखेगा, उसको बोलते हैं ड्राइव PCB। PCB का मतलब पावर सर्किट बोर्ड होता है गाइस। पावर सर्किट बोर्ड अगर ड्राइव PCB है तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ मोटर को क्लॉक और एंटी क्लॉक और RPM का स्पीड के लिए वेरिएशन के लिए उसको ड्राइव PCB दिया है, जो कंट्रोल करता है। उसमें बहुत सारे स्क्रूस आते हैं जो आप अपने तरीके से आप आराम से खोल दीजिए बिना कोई कंफ्यूजन के। सबसे पहले स्विच ऑफ करना ना भूलना, सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। PCB अगर एक्सपर्ट है, टेक्नीशियन है, तो ही खोलिए। देखिए गाइस, ड्राइव PCB पे दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर का स्टिकर रहेगा, छोटा वाला रहेगा, उसका एक डायरेक्ट वायर जाता रहेगा मोटर पे, जो डायरेक्ट ड्राइव है इसके ऐसे आप ड्राइव PCB और मेन PCB में पहचान सकते हैं। जो लेफ्ट साइड है वो आके मेन PCB है। देखिए मैं खोल के भी दिखा रहा हूँ आपको, ये ड्राइव PCB, एक कैपेसिटर है, एक ट्रांसफार्मर है। देखिएगा इस ये सब खोलने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो कीजिए। अगर आपको प्लग ऑन है तो ये सब मत खोलिएगा, करंट शॉक लगने का चांसेस है। अगर फिर भी FC एरर आ रहा है तो उस PCB को चेंज कर देना, FC एरर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा गाइस, प्लीज़ याद रखना। ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे गाइस जो आपको हेल्पफुल होगी। प्लीज़ और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर अप्रिशिएशन है तो एक कमेंट करके अप्रिशिएट करिएगा।